अरविंद केजरीवाल की जमानत थोड़ी देर आएगा ते वड्डी खबर दा असी जिक्र करे अरविंद केजरीवाल नू जो बेल है वो ग्रांट कीती जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट दे वलो देश दी सर्वोच्च अदालत दे वलो अरविंद केजरीवाल नू जो बेल है जमानत है दित्ती जा चुकी है 170 दिनां बाद अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आणगे वड्डी खबर दा असी जिक्र कर रहे हैं दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नू देश दी सुप्रीम कोर्ट दे वलो जमानत दित्ती गई है इस विचाले 10 लाख दे जो बेल बॉन्ड नाल जमानत दित्ती गई है वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नू सुप्रीम राहत दित्ती गई है 170 दिनां बाद दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आणगे 21 मार्च नू गिरफ्तारी ईडी दे वल्लों कीती गई सी जदों कि ईडी 10वां समन लैके जो है अरविंद केजरीवाल दे रिहायश ते सीएम रेजिडेंस उत्ते पहुंची सी ते उस तों बाद गिरफ्तारी हुई सी ईडी दे वल्लों इस तमाम मुद्दे नू लैके जांच कीती गई कई बार जो है वो प्रोडक्शन रिमांड लिया गया ते उस तों बाद जो है न्यायिक हिरासत च गई सी दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे सुप्रीम राहत अरविंद केजरीवाल नू आम आदमी पार्टी दे लई एक वड्डी खबर दा असीं जिक्र कर रहे दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नू देश दी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जमानत दे दित्ती गई है 170 दिनां बाद अरविंद केजरीवाल तिहार जेल तो बाहर आणगे ते दिल्ली शराब पॉलिसी नू लेके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दी जमानत अर्जी ते अज फैसला सुनाया जाना सी जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस उज्जवल भुया दी बेंच ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिता है अरविंद केजरीवाल बाहर आणगे जेल तो 170 दिनां बाद ते सीबीआई ने केजरीवाल नू 26 जून नू अरेस्ट कीता सी दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी नू नजायज इलीगल दस्या सी ते इस विचाले सुप्रीम कोर्ट च उन्हां दी लीगल टीम दे वल्लों पिटीशन दाखल कीती गई सी 5 सितंबर नू सुनवाई हुई सी ते पिछली सुनवाई च सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया सी वड्डी खबर दा असीं जिक्र कर रहे हैं दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नू देश दी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सुप्रीम राहत दित्ती गई है 170 दिनां बाद दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आणगे ते केजरीवाल दे खिलाफ दो जांच एजेंसियां ईडी ते सीबीआई दे वल्लों पैरेलली जांच कीती जा रही सी ईडी मामले च दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नू सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों 12 जुलाई नू जमानत दित्ती गई सी ते अज सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सीबीआई केस च वी अरविंद केजरीवाल नू सुप्रीम राहत दित्ती गई है वड्डी खबर दा असीं जिक्र कर रहे हैं जाहिर जी गल है कि आने वाले दिनों च हरियाणा असेंबली इलेक्शंस ने आम आदमी पार्टी दे इक वड्डे आगू साबका डिप्टी सीएम जिन्हां नू हाल ही च सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जमानत दित्ती गई सी काफी आसवन नजर आ रहे सी होपफुल सी कि इस सुनवाई तो बाद देश दी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जरूर एक सुप्रीम राहत अरविंद केजरीवाल नू देगी ते जे असीं पिछली सुनवाई दा असीं जिक्र करिए ते पिछली सुनवाई च जमानत ते अभिषेक मनु सिंह वी जो कि अरविंद केजरीवाल दी लीगल टीम दे वकील सी उन्हां दे वल्लों कई दलीलां जो ने सुप्रीम कोर्ट च रखियां गईयां सी पहली दलील उन्हां दे वल्लों रखी गई सी सीबीआई कहंदी है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे कोऑपरेट नहीं कर रहे कोर्ट दे ही आदेश ने कि कोई भी मुलजम अपने आप नू दोषी नहीं कह सकदा दूजी अहम दलील उन्हां दे वल्लों दित्ती गई सी कि केजरीवाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ते तैनात ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा उन्हां दे कोल है ते ओह भज्जन दी उन्हां दी कोई भी आशंका नहीं है सबूतां नाल ओह छेड़छाड़ नहीं कर सकदे क्योंकि लखां दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सीबीआई दे कोल ने ईडी दे कोल ने 5 चार्जशीट ऑलरेडी मौजूद ने गवाहां नू प्रभावित करन दा कोई भी खतरा नहीं है बेल दी 3 जरूरी शर्तां जो ने साडे पक्ष ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तकरीबन 177 दिन वो जेल में रहे और जिस तरह से इस मामले पर तमाम अन्य आरोपी को पहले से जमानत मिल गया था लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मसले को जो चुनौती दी गई थी एक वो याचिका और दूसरी जो उनकी जमानत पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो जाएगी क्योंकि संजय सिंह मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल अब जाहिर बात है अब रिएक्शन आने शुरू होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए और जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली है तो अब बात करते हैं कि कब तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं तो आज एक ऐसा अनुमान लगा सकते हैं पंकज कि आज देर शाम तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं और आज कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजने होंगे और भेजने के बाद उन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स पे जैसे वहाँ पे कोर्ट पहुँचेगा तो तकरीबन 2 घंटे का वक्त वहाँ पर लगेगा तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में 2 घंटे का वक्त लगेगा उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं लेकिन जिस तरह से कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट में जिस तरह से आज तमाम जो सुनवाई की जो प्रक्रिया हुई तमाम जो फैसला जो सुनाने का जो अगर बात कहें
तो आज निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। और जिस तरह से इस मामले में तमाम जो दलीलें दी गई थी सीबीआई के पुलिस वकील के द्वारा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। बिल्कुल, तो शर्तों के साथ जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। और अरविंद बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, 170 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आएंगे। एक सुप्रीम राहत जो है दिल्ली दे सीएम नु दिती गई है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी में जुड़े हुए ने, विक्रांत कह सकते हैं कि एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एक नया जोश आम आदमी पार्टी में भरेगा। 170 दिनों बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। अरविंद केजरीवाल करीब 5 महीने से जेल में थे और अब उनका रास्ता साफ हो गया है, आज ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है उस पर सवाल उठते हैं, ऐसा लगता है कि पिछली अदालत से जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई सक्रिय रही और उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उसने 22 महीने तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, जहमत नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही निचली अदालत से जमानत मिली उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन चीजों पर सवाल उठाया है कोर्ट ने, और बहुत फिर सवाल कोर्ट ने सीबीआई की कार्यशैली पर जस्टिस भुइया ने उठाए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि इस मामले में जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन जस्टिस भुइया ने अपना अलग से जो हिस्सा लिखा है उसमें ये सवाल उठाए हैं, यानी बेंच के एक जज ने सीबीआई की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। विक्रांत आपसे जानना चाहिए कि किन कंडीशंस के चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ये सुप्रीम राहत दी गई है, कंडीशन का हम जिक्र करें तो? देखिए कंडीशंस बिल्कुल वही रहेंगी जो ईडी के मामले में उन्हें जमानत देते हुए दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के मामले में जो इंट्रिम बेल उन्हें मिली थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेज के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों जजेज के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेज के अलग अलग व्यूज, तो ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बाद इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है। चलो आ जाओ, सिंगल आ जाओ सर, एक मिनट भाई, सिंगल सर, भाई पीछे एक मिनट सर। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सर अरविंद केजरीवाल से? देखिए आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई की बेल, दोस्त माइक नीचे कर लो सारा, और आज बेल ग्रांट कर दी गई है। आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे, जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए। क्या क्या रखे गए हैं कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट मैटर सब ज्यूडिस है, बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना। चुनावी सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री अपने तरीके से, जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे, आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे।